गुड मॉर्निंग वंस अगेन। संगति की चार श्रेणियों के बारे में हम चर्चा कर लें भाई। कुछ लोग नेगेटिविटी से भरपूर होते हैं, कुछ लोग पॉजिटिविटी से भरपूर होते हैं, सकारात्मक उपलब्धियां होती हैं और सकारात्मक सोचते भी हैं, सकारात्मक लोगों को उत्साहित भी करते हैं। तो चलिए श्रेणी एक को देखते हैं। स्वयं का जीवन उपलब्धिपूर्ण नहीं है और अन्य लोगों को भी हतोत्साहित करते हैं। पहली श्रेणी के लोग ऐसे होते हैं कि इनके साथ समय बिताना समय की बर्बादी है, क्योंकि उनका जीवन भी उपलब्धिपूर्ण नहीं है और लोगों को भी हतोत्साहित करते हैं। तो दूसरी श्रेणी में आते हैं। दूसरी श्रेणी कहती है कि स्वयं का जीवन उपलब्धिपूर्ण है परंतु अन्य लोगों को हतोत्साहित करते हैं। आजकल ऐसे लोग बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे जो सरकारी जॉब कर रहे हैं, अच्छा खासा गवर्नमेंट की जॉब कर रहे हैं, अच्छा खासा सैलरी जॉब और सब कुछ है, लेकिन दूसरों को हतोत्साहित करते रहते हैं। निगेटिविटी हमेशा उनके अंदर ऐसे नहीं भरी है अपने लिए, दूसरों के लिए भरी हुई है। भाई ऐसे लोगों से बच के रहो, क्योंकि इनकी कार्यशैली दूर से देख कर प्रेरणा ले निकटता करेंगे तो मायूसी ही हाथ लगेगी। और तीसरी श्रेणी कहती है कि स्वयं का जीवन उपलब्धिपूर्ण नहीं है परंतु लोगों को प्रोत्साहित करते रहना। भाई अपनी उपलब्धिपूर्ण हो ना हो, दूसरों को तो आप प्रोत्साहित कर ही सकते हैं। ये अच्छे साथी बस शुभचिंतक होते हैं, तो ऐसे शुभचिंतकों और साथियों को हाथ साथ कभी ना छोड़ें। पकड़ेंगे हाथ तो हाथ ना छोड़ेंगे। आगे देखते हैं श्रेणी नंबर चार कहती है कि स्वयं का जीवन उपलब्धिपूर्ण है और अन्य लोगों को भी प्रोत्साहित करते हैं। जी हाँ, ये होती है सर्वश्रेष्ठ श्रेणी, ये होती है अच्छे गुरु, अच्छे प्रेरक और अच्छे मार्गदर्शक के लक्षण। तो ऐसे लोगों की संगति करो। संगति की ये चार श्रेणियाँ आपके लिए डिसाइड आपको करना है, आप किस संगति के साथ रहना चाहते हैं। तो स्वयं का जीवन उपलब्धिपूर्ण रहे और लोगों को भी प्रोत्साहित करें, यही तो है अच्छा गुरु। तो हम आज से भी होते हैं शुरू, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपको हमेशा प्रोत्साहित ही करेंगे, क्योंकि हम सकारात्मकता से भरे हुए हैं। हमारे पास पॉजिटिव वाइब्रेशन है, तो ये पॉजिटिव वाइब्रेशन आपके पास जाएगी और आप भी पॉजिटिव वाइब्रेशन को फैलाते रहिए। बस मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए और उपलब्धियों को पाते रहिए। गुड बाय से मिलेंगे फिर मुस्कुराते हुए।